हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पुरानी कुर्ती से शॉपिंग बैग बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मेन चेन है और एक हमने इसमें पॉकेट लगाई है बाहर की साइड, जैसे मोबाइल वगैरह रखने के काम आ जाए। और बहुत प्यारा सा बैग बनाकर हमने ये तैयार किया है। तो पहले मैंने कुर्ती की सिलाई को निकाल लिया था और फिर इस तरह से कट कर लिया है। तो दो पीस हमने कट किए हैं कुर्ती के। मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कि इसकी विड्थ तो है 15 इंच और लेंथ है 11 इंच, और बीच में हम ये बुकरम लगाएंगे और नीचे इनर के लिए ये कपड़ा लिया है। तो हमने सेम साइज के ये इस तरह से कट कर लिए हैं। तो ये एक पार्ट तो हमने ये कट कर लिया है बुकरम और इनर के साथ में, और एक पार्ट ये कट किया है। बुकरम लगा रहे हैं हम, चाहे तो इसकी जगह हम जो आटे की पॉलीथीन आती है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो दो पीस हमने ये कट किए हैं। इसमें भी हम बीच में बुकरम लगाएंगे और ये ही हमने इनर के लिए ब्लू कलर का कपड़ा लिया है। तो इसकी चौड़ाई है 15 इंच और लेंथ है 3 इंच। ये दो पीस है सेम साइज के। दो पीस हमने ये कट किए हैं। ये साइज में थोड़े बड़े हैं जो हम टांगने वाली पट्टी के लिए यूज करेंगे। ये मैं सिंपल बुकरम लगा रही हूँ, चाहे तो पेस्टिंग वाला बुकरम भी लगा सकते हैं। इसकी लेंथ है 21 इंच और विड्थ है 3.5 इंच। इसी तरह से हमने बराबर सेम साइज के हमने बुकरम भी कट कर लिए हैं। अब हम चारों साइड में किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे सभी पार्ट्स, जो हमारे लंबे वाले पीस भी हैं और ये दोनों पीस मैंने इस तरह से सील कर तैयार कर लिए हैं, और इन पर भी हमने सिलाई लगा ली है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा और बुकरम निकला है ना, उसे हमने कट कर दिया है। अब नीचे से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है। दोनों साइड हम 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक ऐसा बॉक्स टाइप में बना देंगे इस तरह से, और दूसरी साइड भी। ये हमारे दोनों पीस हमने रखे हुए हैं एक साथ, और एक साथ ही हम कट करेंगे। 3 इंच हमने इधर से लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाएगा तो सिलने में दिक्कत आएगी। इसे भी कट कर लेते हैं। दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब हम जो टांगने वाली पट्टी हमने सील कर तैयार की है उसे फोल्ड करेंगे, और एक बार और फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगा देनी है। दोनों पट्टी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे सील कर। तो ये हमारे टांगने वाली पट्टी हो गई है। अब हम इसमें अपनी पट्टी जोड़ लेते हैं। तो पहले हमें सेंटर पता करना है। सेंटर हमारा है 7.5 इंच, क्योंकि ये 15 इंच है। तो बीच में निशान लगाने के बाद 2.5 इंच इधर लगाएंगे और 2.5 इंच इधर। तो इन निशानों पर अपनी पट्टी को हम अटैच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे डबल डबल इधर भी और दूसरी साइड में भी। इसमें भी पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों में हमने इस तरह से पट्टी को सील लिया है। अब जो हमारी 15 इंच चौड़ी पट्टी थी उसे इसके साथ जोड़ना है। एक सिलाई लगा देंगे और सीधा करने के बाद में एक एक सिलाई और लगा देंगे, इसे मजबूत भी हो जाएगा। तो दोनों पार्ट हमने इस तरह से सील कर तैयार कर लिए हैं। ऊपर की साइड भी हमने एक सिलाई लगा ली है दोनों में। अब हमें इसमें चैन लगानी है। तो पहले चैन को एक पार्ट में अटैच करते हैं, फिर उसके बाद में हम दूसरी साइड, चैन की जो दूसरी साइड है उसे इस वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो चैन लगाकर भी तैयार कर ली हमने। इसमें हमने लॉक लगा लिया, मैं दो लॉक लगाऊंगी इसमें। अब ये हमने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया, तो पॉकेट हम बाहर की साइड लगाएंगे। पहले जो हमारे
टांगने वाली पट्टी है उससे सीधा निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच पर, 1.5 इंच, और इधर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो इतनी जगह में हमें चेन लगानी है। ये हमारा पॉकेट बनेगा इधर। पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते ताकि इस पर चौक का निशान आ जाए। अब जो हमने ये निशान लगाया है चौक से, इसके दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है इस निशान के, और सिलाई लगाने के बाद में इस निशान को हमें कट करना है ताकि हम अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड कर सकें। तो इस निशान पर कटिंग कर लेते हैं हम दोनों साइड में, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। अब एक छोटे छोटे हमें कट के निशान और लगाने हैं ताकि इधर कपड़े में खिंचाव न हो और आसानी से कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। चाहे तो हम जो हमने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया उसकी पाइपिंग हम पतली सी बाहर की साइड निकाल सकते हैं। और अब एक एक सिलाई लगा लेंगे कपड़े को अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबाकर, और किनारे पर एक एक सिलाई लगा लेंगे हम। इधर हमें चेन लगानी है, ये हमने सिलाई लगा ली है इसके किनारे किनारे पर। तो कपड़ा अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो गया है। हमने कपड़ा जो पॉकेट का लिया है वो हमने थोड़ा बड़ा ही लिया है। अब इधर चेन लगा लेते हैं। इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर लेंगे, और जितना हमने कपड़ा कट किया है उससे चेन का साइज थोड़ा बड़ा है, आधा इंच इधर की साइड में और आधा इंच इधर की साइड में। इस तरह से चेन लगा लेंगे हम। ये हमारी चेन लगकर तैयार हो गई है। हम चाहे तो अंदर की तरफ भी पॉकेट लगा सकते हैं, और ये जो हमने कपड़ा बड़ा लिया था पॉकेट का उसे फोल्ड करना है इस तरह से, और तीनों साइड में हमें एक सिलाई लगा देनी है। एक साइड तो हमारी इसकी सिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कपड़ा हमारा कटिंग वाला नहीं है, और ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। अब हमें इसकी तीन साइड सिलनी है, इधर से सिलाई लगानी है और इधर लगानी है। हमें जो कट वाला निशान है ये नहीं सिलना है, अभी तीनों साइड सिलनी है। तो हमने ये तीनों साइड सील कर तैयार कर ली है। अब हमें जहाँ कट मारा था, हमने कटिंग किया हुआ कपड़ा है उसे इस तरह से कपड़े को सेट करना है अच्छे से, ताकि जो हमारे बुकरम भी और अंदर वाला इनर भी और जो हमने कुर्ती का लिया तीनों आ जाएं, और एक एक सिलाई लगा देनी है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना ताकि कोई कपड़ा हमारा बिना सिलाई के रहे नहीं। और एक एक सिलाई हम इधर लगा देंगे, यहाँ हमें डबल सिलाई लगा देनी है। और ये मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। हमारा बैग बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा बैग बनकर तैयार है, और किसी भी पुरानी कपड़े से, हम पुरानी कुर्ती हो उसे बच्ची की ड्रेस भी तैयार कर सकते हैं या बैग बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने एक प्यारा सा बैग बनाकर तैयार किया है, और ना हमें इसमें ज़्यादा खर्चा आया हमारा बैग बनाने में। ये हमारा मोबाइल रखने के लिए एक पॉकेट बन गई है।